नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया, नवदीप टुडे टीवी टीम के साथ आपको लेके आया हूं छतरहाल स्टेडियम, जहां पर हम पहलवान अरुण कुमार से मिलेंगे, जिसको रवि ने एक बड़े भाई की तरह माना है, कोच की तरह माना है। और रवि की सफलता में कहीं ना कहीं जो पीछे से पुशअप करने के लिए हाथ होता है वो अरुण कुमार का है। आइए आपको सीधा लेके चलते हैं अरुण कुमार के पास और सीधी बातचीत अरुण कुमार से ही करते हैं, आपको मिलवाते हैं रवि के बड़े भाई, रवि के आइडियल और रवि के एक तरह से कोच रहे अरुण कुमार से। वाली बात करी उसमें ब्रह्मचारी जी का कितना वो मानते हैं योगदान की, जो जड़े तैयार करी वो तो वहीं से तैयार हुई। आज जो है हमारे गांव की कुश्ती है वो सिर्फ हंसराज पहलवान जी ने, जो आज की जो देखो पुराने टाइम की तो मैं कहता नहीं हूँ, जब से उन्होंने मतलब ये है उन्होंने ही हमारे गांव में कुश्ती का एक क्रेज बनाया, जो एक बेसिक होता है, जो बेसिक बेस उन्होंने तैयार किया है वही हमारे गांव को आज मतलब ये भी यहाँ स्टूडेंट रह गए हैं पुराने टाइम में, तो आज जो मतलब एक प्योध होते हैं बोल देते हैं प्योध तैयार करके एक मतलब ये लगा छोटे से एक यूनिवर्सिटी में छोड़ देते थे, फिर वो मना करते मतलब ऐसा मतलब शुरू में ही ऐसा बना देते हैं दिमाग में, आ भाई मेहनती डिसिप्लिन का एक जो होता है ना वो शुरू से ही वहाँ मिल के आता संस्कार, तो वो जुड़े हुए हैं भगवान जो ये चीज़ा का जो करता है तो वो जरूर ऊपर हो जाता है। आने वाली और आसपास के गांव की बात करी जाए जो 10-20 गांव का वहाँ पे वो है, वो एक तरह से खिलाड़ियों की वो मानी जाती है कि यहाँ से खिलाड़ियों की टकसाल है, जितने चाहो उतने निकल सकते हैं, कमी है सुविधाओं। क्या सुविधाएं मांगते हैं सरकार से कि कम से कम गांव लेवल पे या जिले लेवल पे ऐसी चीज़ें हो जो नारी से छत्रसाल तक ना भागना पड़े? एक मैं चलो गांव तो हमारा जो है नारी है मेरे ख्याल से 40-50 गांव, क्या मेरे ख्याल से हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो पहलवानी में नारी के मतलब बराबर लेवल बराबर के आधे तक लेवल ही 21 इंटरनेशनल पहलवान नारी से, 3 ओलंपियन पहलवान है और एक अब तो सिल्वर मेडलिस्ट हो गया पहलवान, मतलब हमारे गांव में तो एक मिट्टी में ही मतलब एक पहलवानी का, हाँ बिल्कुल। और आज भी उस जहाँ पे एक रेसलिंग का होल नहीं है उस मतलब लेवल से उठ कर आया जितने बड़ा मेडल है मिला है, तो देख लो आप मतलब ऐसे गांव में अगर स्टार्ट से ही फैसिलिटी होती तो आज मतलब क्या हो सकता था। हमारे पास तक बस की भी सुविधा नहीं, बस भी एक चली थी वो पूरे दिन में एक राउंड लेती थी बस, पता नहीं उसका कोई टाइमिंग था, देखो हमारा तो इतना है जाना हुआ नहीं है, पर जो सुना है कि अभी थोड़े दिन पहले कुछ स्टार्ट हुई थी एक बस, तो ऐसा नहीं है, पर ये लगा लो हमारा गांव थोड़ा बॉर्डर पे पड़ता है उसके लिए हम थोड़ी सुविधा मिल जाती। खिलाड़ी जीत के आता तो वादे दुनिया भर के होते हैं पर वादे रह जाते हैं, उसमें 2% पूरे होते हैं, अगर वे सारे पूरे हो जाए तो कमी नहीं है खिलाड़ियों के निकलने की? बिल्कुल सर, हम अगर बेस ग्राउंड बेस पे हम जाके देखें बहुत टैलेंट है, इतनी आबादी में तो कितना ही टैलेंट निकाल सकते हो आप, पर वो जो है वहीं की वहीं दबे रह जाता है, जो स्टार्ट में उसको निखारने की चीज़ होती है वो उसको मिलती नहीं, फिर वो जब वहाँ तक मतलब कुछ बड़ा होकर वो दम तोड़ देती है। यहाँ जो मिट्टी से लेकर और मैट तक का सफ़र, मैट से लेके मेडल तक का सफ़र कितना मुश्किल होता है, क्या क्या स्ट्रगल होते हैं, क्या कहेंगे एक पहलवान होने के नाते? कंटिन्यू प्रैक्टिस जो करता रहता है, आज जो मिट्टी से आता है गाँव में तकरीबन जगह मिट्टी से ही स्टार्टिंग होती है, मैट पे तो ये लगा लो जब एक बड़े लेवल पे आ जाते हैं जैसे एक प्राइमरी से एक लगा लो कॉलेज टाइप में आज लगा के चलो, तो उस तरह से एकदम इतनी डिफ़िकल्ट होता है फिर मैट से रेसलिंग स्टार्ट करना, तो ये बहुत ही मेहनत का काम है रेसलिंग और बहुत ही मतलब डिसिप्लिन के साथ, और ये लगा लो 24 घंटे में 9 घंटे सिर्फ ओनली हार्डवर्क ही होता है और कोई भी काम नहीं होता सिर्फ रेसलिंग का, मतलब किसी को भी और गेम में इतना टाइम मिल जाता है भाई इतना हार्डवर्क नहीं है, पर रेसलिंग में ऐसा नहीं है, संडे को भी प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, इतना मतलब रेसलिंग इतना हार्ड गेम। आपके सफ़र बताइए आपने कहाँ तक किया है, कौन कौन से मेडल लगे आपके पास पहुँचे? मैं 2008 में सबसे पहले मैं 8 सब जूनियर मेरा गोल्ड आया था एशिया सब जूनियर में, उस टाइम मेरा ही एक पहला मतलब जो स्वागत हुआ गाँव में मेरा ही किया था, तो रवि तो उस टाइम एक ही साल हुआ था मेरे पास आए हुए, फिर मेरा एशिया जूनियर में भी गोल्ड है और 2 बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सिल्वर मेडल है, हाँ तो लगातार मैं 14-15 बार इंडिया को प्रेजेंट किया हुआ है, मैं एयरफोर्स में जूनियर वांट ऑफिसर, रेसलिंग इतना हार्ड गेम है। प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा होता है नर्सरी जो पहली दूसरी क्लास होती है वो जो बेस बनता है वो आगे ग्रेजुएशन तक काम आता है, ग्रेजुएशन इसी तरह से पहलवानी में जो बच्चे का बेस बनता है वो मेहनत करने की आदत बनती है वो आगे तक काम आता है, आगे तक कितना जरूरी मानते हैं कि छोटे बचपन से अगर शुरू किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये जैसे स्टार्टिंग नर्सरी से जैसे स्टार्ट होता है ऐसे ही बच्चा 8-9 साल का अगर रेसलिंग में जुड़ता है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सक्सेसफुल होने के, क्योंकि वो डायरेक्ट रोज़ सीखता आ जाता है, एक उसका शरीर एक्टिव हो जाता है उस काम में,
और एक 15-16 साल का लड़का स्टार्ट करो तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उस लेवल पर जहाँ तक स्टार्ट हो जाता है हमारा सब जूनियर 15 साल से, वो डायरेक्ट उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। एक जो कंटिन्यू स्टेप टू स्टेप मतलब लगातार करते आ रहा है वो कामयाब 100 का 100 हो जाता है अगर वो नेक नीति और लगातार अपने टारगेट पे फोकस रखता है। तो जब गांव में जाते हैं अखाड़े में ब्रह्मचारी में छोटे बच्चों से मिलते हैं तो उन बच्चों में कितना क्रेज लगता है, आप लोगों को कितना आइडल मानते हैं वो? बिल्कुल, अब ये देख लो सबको पता है कि यहाँ यहीं से गया रवि, तो ऑटोमेटिकली उस चीज स्थान का तो ये लगा लो बहुत महत्व हो जाता है। तो हाँ यहीं से तो सब कुछ आज गए हैं, तो वहाँ तो एक ऐसा गुरु भी मिला है वहाँ पे जो एक छोटे उस लेवल पे, तो है तुम्हें हमारा जो कुछ तैयार हो जान वहीं से, आप गांव में देखो कहीं है ही नहीं और कोई करवाने वाला, एक जो अंसर ब्रह्मचारी जी वही करवाते हैं। बाकी खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश है? बाकी खिलाड़ियों की ये संदेश है कि जो भी मतलब एक काम नेक नीति से एक टारगेट बना के अपने फोकस रहना है, मोबाइल से या गैर वगैरह इनसे दूर रख के सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान रखे और एक संस्कारी बच्चे की तरह बड़ों का आदर करके गुरुओं का आदर करके अपना टारगेट के लिए पूरा फोकस रहे, जी जान लगा दे, भगवान आपको सफलता जरूर देगा। एक आखिरी सवाल है, बात करें रवि की, रवि को आपने गाइडेंस दी, रवि आपको बड़े भाई की तरह मानता है, उसको आपको कोच की तरह मानता है, रवि के बारे में क्या कहेंगे, कितना लगन और कितनी प्रतिभा उसके अंदर भरी पड़ी और क्या अगली बार हम गोल्ड के लिए तैयार रहे? रवि ने बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा, एक शरीर में एक टाइम मतलब ऐसा था मतलब खून की भी कमी थी, फिर भी उसने मतलब इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, इतनी इंजरी भी हुई है, घुटने में 2-3 बारी लगातार 2 बार टाइफाइड हुआ, मतलब उंगली बिल्कुल टूट गई थी उससे टक स्ट्रेच, मतलब लगातार ही इंजरी में होने के साथ भी इसने अपना हार्डवर्क नहीं छोड़ा। और सबसे मेन बात है सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहता है, सिर्फ ओनली अपने टारगेट पे फोकस रखता है और उसी पे ही पूरा फोकस रहता है, कहीं भी अपना दिमाग भटकने नहीं देता। रवि के साथ रवि का छोटा भाई भी यहाँ पर हैं जो 2015 से प्रैक्टिस के करते करते घर पे भी नहीं गए हैं, उनकी मेहनत के बारे में क्या? वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो ग्रीको रोमन स्टाइल में खेलते हैं, जैसे रवि है तो उनकी लंबी हाइट है, थोड़ा इंजरी घुटने में ज़्यादा हो रही, तो ग्रीको रोमन में कर रहे हैं, नेशनल में मेडलिस्ट हैं और वो भी बिल्कुल रवि का पूरा साथ देते हैं। आने टाइम में उनसे भी उम्मीद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अभी वो यंग बच्चा है, लगातार करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि जो एक टारगेट बना के अपने नेक नीति से कहीं ध्यान नहीं बटा करेगा उसको भगवान जरूर सफलता एक दिन देगा। बचपन से शुरुआत करी मिट्टी के अखाड़े में खेलना और नहर में नहाना, उसके बाद जाके अपना काम संभालना। हाँ, बचपन से पिताजी का सपना था कि वो खिलाड़ी बने पर वो नहीं बन पाए, तो रवि की आंखों में उन्होंने सपना वो डाला और पूरा करवाया। हाँ, तो इसके बारे में? इसके पिताजी में बहुत जुनून था, कुश्ती के पहलवानी के देखते थे, इनके घर में एक चाचा ने भी की हुई है पर वे मतलब इतना कुछ मतलब हुआ नहीं, पर एक अंदर थी ठेस थी कि हाँ भाई मैंने अपने को पहलवान बनाना है, तो वो देख लो 20-25 किले वो भी रहे थे और इसका दूध भी मतलब रोज़ सुबह जल्दी उठ के यहाँ देकर फिर वापस जाना, मतलब रोज़ ये भी काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी उन्होंने कहीं भी मतलब कमी नहीं होने दी, हाँ भाई मेरा काम हुआ अपने पूरे काम पर फोकस रहे, बाकी इसकी मेहनत थी इसने की और भगवान आज इस लेवल पर इसको लेके। आने वाले टाइम में क्या उम्मीद करेंगे कि भारत तिरंगा कहाँ मिले, हमें कितना ऊपर मिले हमेशा खेलों में? सब खेलों में हम तो ये चाह रहे हैं, जैसे पहले हमारा देश मतलब सबसे ऊपर था खेलों में भी, ऐसे ही हम एक नंबर पे वहाँ जैसे यूएसए देश कंट्री हैं, यूएसए रशिया, हम इनको पछाड़ के एक नंबर, सरकार ऐसी कुछ फैसिलिटीज ऐसी मतलब एक टारगेट बना के कुछ ऐसा मैप तैयार करे कि आने वाले समय में उन कंट्रियों को पछाड़ के तिरंगे को सबसे ऊपर रखे। ये थे पहलवान अरुण कुमार जिन्होंने रवि दहिया की सफलता के पीछे अपनी जी जान तक झोंक दिया, उसको अच्छी तरह से गाइड किया, टोक्यो में भी उसके साथ रहे, वहाँ पे बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन होने के बावजूद भी ब्रेड खाकर गुजारा किया, परंतु रवि का साथ नहीं छोड़ा, उसी साथ का उसी आशीर्वाद का कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अंश ये भी है कि आज रवि मेडल लेके आया ओलंपिक में, वहाँ पे तिरंगा लहराया और उम्मीद करेंगे अगली बार और भी ज़्यादा मेडल भारत को मिले, हर खिलाड़ी हर तरह की प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन करे, तिरंगा हमेशा ऊँचा रहे। कैमरामैन ऋतिक के साथ दीपक दहिया, नवदीप टुडे, दिल्ली।